ऑस्ट्रेलिया में आज महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलिया में आज महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच खेला जाएगा। राजस्थान के चुरू में एक बस पलटने से हुए हादसे में एक बच्चा समेत 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान के नागौर में अनुसूचित जाति के लड़के को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए शनिवार को नो बैग डे घोषित कर बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ाने का फैसला किया। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार 2 कारों के आपस में भिड़ने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के धौलपुर में 10 फीट लंबा मगरमच्छ देखे जाने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत दी कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसे मारपीट की, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर लिंगराज मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। यूपी के महोबा में आबकारी विभाग ने छापा मारकर एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर शराब बनाए जाने वाला सामान जब्त कर लिया।